मैं खुद ही इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मेरे घर के मेहमानों को. मेहमानों को क्या, इनफैक्ट माई फैमिली. टुडे इज चांद रात और मेरे साथ सेलिब्रेट करने मेरे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, पीयू और वैसे प्रत्यूषा बैनर्जी, बट पीयू. और ये एंगी, वैसे अंगत हसीजा, व्हाटएवर, बट या हियर ही इज एंगी एंड शी इज पीयू. और हम लोग आज चांद रात साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि माई फैमिली इज़ नॉट हियर. ईद में इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए मनाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी चांद रात हम सब साथ में मना रहे हैं. मैं जानना चाहूंगी इन लोगों से कैसा फील कर रहे हैं. चांद रात मुबारक, इसीलिए आई थिंक होस्ट ज्यादा दोस्त तैयार होकर आ गए. फिलहाल इनसे जानती हूँ कि ईद पर आप क्या क्या करने वाले हैं. ये आप ईद में तू करेगी या मैं करूँगा? मुझे आप बताइए कि आप ईद में क्या करेंगी. आप एक काम कीजिएगा, शीर कुर्मा. शीर कुर्मा बना के ले आइएगा, सिवई बना के ले आइएगा, खाना वाना बना के ले आइएगा. मुझे आज भी याद है विदाई के टाइम सारा ने एक ना चीज खिलाई थी हमें, शीर कोरमा ही था ना वो. वो जो लिक्विड उसमें घी था, बहुत फैटनिंग था लेकिन बहुत अमेजिंग था और आज तक मैं भूला नहीं हूँ वो. और वो गलती से इसने बना लिया होगा. अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए रुकिए. हाँ जी बोलिए. सारा इज एन अमेजिंग कुक, वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती है. और हाँ, फरमाइश ये है कि आपका सूखी सेवई बनाए. बिल्कुल, मैं मुजाफिर बनाऊंगी उसे. बेसिकली मुजाफिर बोलते हैं हम लोग. और मैं चाहूंगी कि आप लोग मेरी हेल्प करने सुबह 7 बजे आ जाए. थैंक यू. और ये खुद सोई होंगी जब हम हेल्प करने आएंगे इनकी, तो 12 बजे से पहले तो आप उठती नहीं है. जी नहीं, कल मेरा शूट है इसलिए मैं सुबह उठ के बना के जाऊंगी, तो आप आ जाइए. तो क्या वो शूट है, तो आप तो 12 बजे जाती है शूट पे. नहीं हाँ, तो मेरे पेट पे लात मार दे आज के दिन. सब लोग देख रहे हैं, मुझे किसी ने कास्ट नहीं करना. मैं बना नहीं रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दोस्तों से एक पल के लिए भी दूर हूँ आज के दिन. आइए आइए, क्या आपको कहीं चांद दिख रहा है पीयू? करवा चौथ पे भी ऐसा होता है, चांद ही नहीं दिखता. बताओ, इतना बदतमीज है. यू नो व्हाट ही डिड, क्योंकि हमारी बिल्डिंग आजू बाजू में ही है, तो ये रात को खड़ा होगा तो चांद लेके रात भर खड़ा है. कि सारा को बेवकूफ बनाऊंगा बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा ही नहीं. ईद का चांदी ऐसा दिखता है एकदम बारीक सा पतला सा, और उसे ढूंढना पड़ता है. जो मैंने बताया कि ये देखते हैं, बहुत तेज देखते हैं. दिखाइए ना प्लीज चांद. देखते हैं चांद को, पता भी नहीं था. आपको एक बहुत ही अमेजिंग शॉट दिखने वाला है, अंगत यहाँ से जंप मारने वाले हैं सीधे स्विमिंग पूल में, उसके बाद आपको भागते हुए नजर आएंगे पार्क में. जाइए करिए, पहली बार देख रहे हैं ना तो थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए. मैंने बहुत रोजे रखे हैं और कई बार तो अंगत भी रख लेता था, बेहोश होकर गिर जाता था, बट फिर भी. और पीयू और मैंने भी साथ में एक रोजा रखा है. चांद दिख गया, वो रहा, तू तो इतना तेज दिखता. देखो चांद, चांद मुबारक ब्लडी. चलिए मैं आपको मिलाती हूँ पारस छाबड़ा से, जो अंदर बैठे हुए हैं. यहाँ हम ईद मना रहे हैं, वो अंदर बैठे हुए हैं. पारस इतने एक्साइटेड हैं, देखिए टेडी बेयर से खेल रहे हैं. ईद मुबारक हो सबसे पहले तो. चांद मुबारक आपको. हाँ चांद मुबारक यार. नहीं करा आज चांद मुबारक. दुकान भी टूट जाएगी. तो मेरी ईदी कर चलो, चलो ईद दो, कल खिलाऊंगी कुछ अच्छा सा. अभी अभी फिलहाल मुझे ईदी चाहिए. ये इसका है. अच्छा है, कोई टूट तो नहीं. उसका धक्का होने लगा. अब मेरा फोन रख रही थी. आप क्या दे रही है? नहीं मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे सबको ना. वॉलेट रख लो. ये ईदी ले रही, भीख नहीं ले रही थी. सब दे रहा, बाहर ले लो, बाहर ले लो. वो देखो कितना अच्छा डॉगी है, ये मैं आपके लेके आया हूँ इसके लिए. वो वहाँ पर देखो, वो ना तुझसे ज्यादा फेमस है वो. ये फ्रिज में से निकाल के लाया. निकाल के इसको ईदी दे रहे.
बहुत ही अच्छी थी सारा के घर में चांद की रात और मजा आया बड़ा। या हम लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा, हम जब भी मिलते हैं से बहुत ज्यादा एंटरटेन किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। आई डोंट नो, मैं हंसूं, मैं रिएक्ट करूं, मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जब भी हम लोग नॉर्मल सबके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं तो और हाँ, और जब भी ये इसका फ़ोन आता है या फिर वो सामने आती है तो इतनी बकवास पागलपंती शुरू होती है, जो ये आज से नहीं है, 5 सालों से चलता आ रहा है ये। आज आपने कुछ नोट किया है, सारा ने कपड़े पहने हैं। अच्छा, आप कोई सेंसिबल बात भी कर लेते हैं। आज हम इसकी इसलिए क्लोजिंग क्योंकि वो बहुत प्योर है, वो जो है वो है, अगर उसको लगेगा गलत है जो रो पड़ी चलो अगर उसको लगेगा कि ये गलत है जो, अगर आप गलत हैं, अगर कहीं मैं कहीं कुछ गलत करूंगा तो साफ बोल देगी कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये चीज़ें जो फ्रेंडशिप होती है इसलिए लॉन्ग टर्म तक चलती हैं। अब ये फालतू की चुगलियाँ कर रही हैं दोनों। So I feel blessed that today I have my best of friends with me and like my family and I'm blessed to have them with me. और सास बहू साजिश भी आज हमारे साथ ही है। सास बहू साजिश तो हमेशा होता है यार। सास बहू साजिश का नाम लेने की तो जरूरत ही नहीं है, हमारी जिंदगी का लाइफ का पार्ट है और यही जरिया है जो हमारे फैंस तक हम पहुंच पाते हैं, अपनी बात पहुंचा पाते हैं। हम तीनों की तरफ से हमारे सभी फ्रेंड्स को, दे आर नॉट फैंस बिकॉज दे आर मेकिंग अस व्हाटएवर वी आर टुडे, उनको 1 2 3 ईद मुबारक।